सांप शक्तिशाली और छुपे हुए शिकारी होते हैं, जो अपने विषैले नुकीले दांतों और सिकुड़ी हुई कुंडलियों से जानवरों के साम्राज्य पर शासन करते हैं। ब्लैक मांबा से लेकर किंग कोबरा से लेकर अजगर तक ये प्रभावशाली जीव शिकार में माहिर हैं। सांप आमतौर पर पिंजी होते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि वे कैसे हावी होते हैं तो देखते रहें, क्योंकि हम विशाल सांपों द्वारा अपने शिकार को खाने के शीर्ष क्षणों को लेकर आया जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। नंबर 7, अजगर। हर कोई जानता है कि हाना कितने मजबूत होते हैं, लेकिन इस अजगर ने अभी अभी एक को मार डाला है और अब उसे पूरी तरह से निगल रहा है। ये पहली बार है जब मैंने एक अजगर को इतनी हिंसा करते देखा है। ये पूरी तरह से पागल है। जंगली सुअरों का एक परिवार दलदल में चारा खोज रहा है। वह सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान है। एक अजगर धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहा है, उसकी भूख बढ़ रही है। सुअर खतरे से बेखबर लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अजगर हमला करता है, उसकी शक्तिशाली कुंडलियां सुअरों में से एक की चारों ओर लिपटी होती हैं। सुअर डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि अजगर उसका दम खोंटकर मार डालता है। यह सांप जंगल से एक मरी हुई बकरी को खींच लाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। पानी में सांप को बकरी को निगलने में कितना समय लगेगा, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें बकरी का आकार, सांप का आकार और पानी का तापमान शामिल है। सामान्य तौर पर किसी अजगर को किसी बड़े शिकार को निगलने में कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं। एक अजगर और एक बाघ लड़ाई में लगे हुए हैं। सांप बाघ को घेरने का प्रयास करता है, लेकिन बाघ अपने शक्तिशाली जबड़े सांप के शरीर में घुसा देता है। इसके बावजूद सांप बाघ की चारों ओर लिपटने में कामयाब हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि बाघ जीतने वाला है, दो सरीसृप आपस में उलझ जाते हैं और एक सांप दूसरे को मार डालता है। एक छोटे कृंतक को खाने की बजाय विजयी सांप को एक बड़े सांप को खाने का मौका मिलता है। नंबर 6, ब्लैक मांबा। जब एक ब्लैक मांबा रसेल वाइपर के पास आता है तो वाइपर पहले हमला करता है, मांबा को काटता है, फिर वाइपर हिलना बंद कर देता है और ब्लैक मांबा अपने ताज़ा भोजन पर विचार करते हुए देखता रहता है। नंबर 5, अजगर भरसे हिरण। एक अजगर ने एक नवजात हिरण का पीछा किया, जिससे वे हिरण की गर्दन के चारों ओर लिपट गया और उसका दम घुट गया। माँ हिरण अपने बच्चे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अजगर अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर देता है। आखिरकार सांप हिरण को पूरा निगल जाता है। शिकारियों को एक असामान्य दृश्य तब देखने को मिला जब उन्होंने देखा कि एक अजगर एक ब्लास्ट बॉट को निगल रहा है। वे ठीक उसी समय पहुँचे जब सांप बॉट के सिर को निगलने ही वाला था और 5 घंटे के भीतर अजगर ने पूरी चीज निगल ली। अगले दिन सांप बिना हिले डुले उसी स्थान पर पड़ा रहा। 8 बार तेज किए गए वीडियो में अजगर द्वारा बॉट को निगलने की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया। इसने सांप की ताकत और शक्ति का भी प्रदर्शन किया, क्योंकि उसने ब्लास्ट बॉक्स को निचोड़ा और उसे अपने मुंह से छोड़ा। अजगर के पेट में भारी वस्तु को समायोजित करने के लिए उसके निशान अलग हो गए। कई शिकारियों की तरह ये अजगर भी रात में शिकार करता है। इसमें सेंसर और एक थूथन है जो आसपास के शिकार का पता लगाता है। एक बार जब ये अपने शिकार को अपने जबड़ों से पकड़ लेता है तो अजगर अपने संयुक्ताक्षर को दूसरे हथियार के रूप में उपयोग करता है। प्रत्येक विस्तार के साथ शिकार पर अजगर की पकड़ मजबूत होती जाती है। जैसे ही सांप अपनी पकड़ मजबूत करता है, प्रत्येक सांस उथली हो जाती है जब तक कि शिकार गला घोंटने से मर न जाए। इसके बाद अजगर शिकार को सिर से नीचे तक पूरा खा जाता है। इस अजगर का पेट अब तक देखे गए सबसे बड़े पेटों में से एक है और ये 1 साल तक बिना खाए रह सकता है। नंबर 4, अजगर भरसिज बंदर। वयस्क बंदर लगातार संभावित खतरों की तलाश में रहते हैं। उनके सबसे घातक खतरों में से एक उनका सबसे मायावी खतरा भी है, भारतीय अजगर। अपने विशाल छद्म शरीर के साथ जो पत्तों के कूड़े में मिल जाता है, अजगर एक उक्त शिकारी है। यह 16 फीट तक लंबा हो सकता है और एक पूरे बंदर को आसानी से निगल सकता है। जब अजगर को पास में गर्म खून वाले शिकार का एहसास होता है तो वह हमला करने के लिए सही समय आने तक इंतजार करता है।
फिर ये तेजी से अपने मांसल शरीर को अपने शिकार के चारों ओर लपेटता है और उसे तब तक जकड़े रखता है जब तक कि उसका दम न घुट जाए। एक बार जब शिकार मर जाता है तो अजगर उसे पूरा निगल जाता है। नंबर 3, अजगर वर्सेज गाय। ये विशाल एनाकोंडा इतना भूखा है कि वह अपने बाड़े में एक गाय पर हमला करने का फैसला करता है। सांप गाय को बाड़े से बाहर खींच लेता है और उसके पैर से चिपक जाता है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक सांप इतने बड़े जानवर पर कैसे हावी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। घटना का फिल्मांकन करने वाला व्यक्ति अज्ञात कारणों से रुकने का फैसला करता है, भले ही एक जीवित युवा गाय को सांप खा रहा हो। वीडियो की शुरुआत एनाकोंडा द्वारा गाय का सिर निगलने से होती है। सांप अपना मुंह बहुत चौड़ा खोल सकते हैं, लेकिन गाय एक विशाल जानवर है और सांप को इसे पचाने में कई महीने लग जाते हैं। जब गाय के पैरों की नोके सांप के शरीर में प्रवेश करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि सांप ने खाना पचा लिया है। फिर एनाकोंडा दूसरी गाय का दम खोदने की कोशिश करता है। हालांकि ये गाय अपनी दुर्दशा को स्वीकार करने से इनकार कर देती है और आसानी से खुद को सांप की पकड़ से मुक्त कर भाग जाती है। नंबर 2, अजगर वर्सेज शेर। शेरों से मुकाबला करने वाले सांपों के बहुत सारे वीडियो नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक है। एक विशाल अजगर एक शेर के बच्चे पर झपटता है, लेकिन शावक फुर्तीला है और अजगर के चारों ओर पैंतरेबाजी करता है। हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश में है। जब शेर लड़ने का फैसला करता है तो वे मौत की लड़ाई में फंस जाते हैं। शेर के कुछ और सदस्य आते हैं और अपने दोस्त की सहायता के लिए सांप पर हमला करते हैं। नंबर 1, अजगर वर्सेज कुत्ता। मुझे यकीन नहीं है कि आवारा या जंगली कुत्तों का सामना कितनी बार अजगर से होता है, लेकिन इस वीडियो में एक कुत्ता खतरे में दिख रहा है। अजगर ने अपने पूरे शरीर को कुत्ते के चारों ओर लपेट लिया है, जिससे उसका दम घुट रहा है। कुत्ते को अस्थायी रूप से अजगर के चंगुल से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए ही अजगर उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। बहादुर कुत्ता लगातार सांप को काटना शुरू कर देता है, जब तक कि अजगर उसे छोड़ नहीं देता, जिससे कुत्ता भाग जाता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।